नमस्कार साथियों, टारगेट 90 प्लस सीरीज के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली चार पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जो ये रेशियोज हैं पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो होता है साइन का, कॉस के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इसी तरह से कॉसेक के लिए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक के लिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यह है सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनती है हमारी, जिसमें हम जीरो की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जीरो की वैल्यू पता करते हैं, 30 की वैल्यू पता करते हैं, 45 की, 60 और 90। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमारा पहले जो दो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं और उनकी वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और आज जो है ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक नंबर 3 है। ठीक है ना, तो हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, पहले हमको ये जानना जरूरी है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब यह है कि जब किन्हीं दो एंगल का सम 90 होता है, जब दो एंगल मिलकर क्या करते हैं, 90 कंप्लीट करते हैं। जैसे क्या, 60 30, 45 45, 20 70, मतलब जब दो एंगल मिलकर आपस में 90 कंप्लीट करते हैं तो उन दोनों एंगल को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोला जाता है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जो ये टॉपिक है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और इससे रिलेटेड उसके हम यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे आपके सामने 6 फॉर्मूलाज हैं। क्या? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब इसका मतलब क्या है, देखिए यदि हम साइन 90 में से कुछ घटाते हैं, 90 में से अगर कुछ वैल्यू घटाते हैं, कुछ एंगल घटाते हैं, तो वो इक्वल होगा, जितना एंगल घटेगा वो होगा कॉस थीटा के इक्वल। इसी तरह से कॉस 90 में से कुछ घटाते हैं तो वो होगा साइन थीटा के इक्वल। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितना घटेगा उतना ही एंगल इक्वल होगा। ठीक है ना, तो ये सारे फॉर्मूले आपके सामने यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं जो इस टॉपिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आइए इसके प्रूफ पर बात कर लेते हैं। प्रूफ इसका किस तरह से है, तो मैंने आपके सामने देखिए यहाँ पे क्या है, कार्टिजन प्लेन बना रखा है। कार्टिजन प्लेन का मतलब होता है कि एक्स और वाई प्लेन, जिसको हम बोलते हैं कार्टिजन प्लेन, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। तो जो कार्टिजन प्लेन आपके सामने बना रखा है, यहाँ पे देखिए ओरिजिन से मैंने एक ट्राइंगल बना रखा है, ट्राइंगल ओ एम एन, ध्यान से देखिए ट्राइंगल ओ एम एन। अब देखिए ट्राइंगल ओ एम एन में एम एन जो है वो परपेंडिकुलर है ऑन एक्स एक्सिस। एम एन क्या है? एम एन है परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है ना, और परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है तो क्या बन रहा है ट्राइंगल ओ एम एन में, एंगल एम क्या है? राइट एंगल है। एंगल एम क्या बच्चों? राइट एंगल है। ठीक है ना, मैंने यहां पर क्या करा कि एंगल जो ओ पे एंगल बन रहा है क्या, एम ओ एन, इसको लिया मैंने, लेट कर लिया थीटा। क्या लेट कर लिया? थीटा। अगर एक मैंने थीटा लेट किया और दूसरा मैंने किया लेट क्या किया 90 लेट किया, तो तीसरा एंगल जो है मेरा अपने आप ही क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। कैसे आ जाएगा? यह आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। कैसे आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए थीटा को ऐड करिए, थीटा प्लस 90 प्लस, इसको आप मान लीजिए एक्स मान लीजिए, इक्वल टू 180 कर देंगे, क्योंकि तीनों एंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है बच्चों? 180 होता है। तो वहां से एक्स की वैल्यू मेरी जो आएगी वो क्या आएगी? 90 माइनस थीटा। तो क्लियर हो गया, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये 90 है। ठीक है ना, अब देखिए जो मैंने लिखा है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है,
और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा है। मैं इसको आपके सामने प्रूफ करने वाला हूँ कैसे। देखिए मैंने लिखा पहले साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा मतलब कि जो 90 माइनस थीटा ये है एंगल है, ये क्या है इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल है। ऐसे ही cos थीटा, यहाँ पर थीटा एंगल है, बात क्लियर हो रही है ना। तो अब ध्यान से देखिए, ये है राइट एंगल ट्राइंगल और हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो गिवन एंगल होता है उसके सामने की साइड हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर होती है और जो उसके साथ की साइड होती है वो बेस होती है। अगर मान लो मैं थीटा लेट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, अगर मैं थीटा लेट करता हूँ तो ध्यान से देखिए आप, जो ये थीटा अगर मैंने कंसिडर किया तो मेरे ये सामने की साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, और राइट एंगल के सामने की साइड तो हमेशा ऑलवेज क्या होती है, ये होती है हाइपोटेनियस, ठीक हो गया। और अगर मैं थीटा इस एंगल को लेट करता हूँ तो मेरा परपेंडिकुलर बदल के ये हो जाएगा, क्योंकि सामने की साइड परपेंडिकुलर और साथ की इस एंगल के साथ की साइड बेस, और ये तो हाइपोटेनियस हमेशा रहता ही है। तो देखिए ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा बोला, क्या बोला साइन 90 माइनस थीटा, मतलब एंगल कहां से कंसीडर करना है, यहां से 90 माइनस थीटा से। यहां से देखने पर देखिए साइन इक्वल टू क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है OM और हाइपोटेनियस है OM, तो OM अपॉन OM आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस OM अपॉन OM, ठीक हो गया, जो है साइन 90 माइनस थीटा। मैंने क्या बोला साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। तो अगर जो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल है तो कॉस थीटा की वैल्यू भी वही आनी चाहिए सेम। तो अब निकालते हैं कॉस थीटा, चलिए तो कॉस थीटा को यहां से देखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार एंगल, पिछली बार एंगल था 90 माइनस थीटा तो हमने यहां से लिया, इस बार एंगल थीटा है तो हम लेंगे यहां से। तो यहां से लेने पर क्या होगा, देखो बच्चों कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस। अब बेस क्या है, तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब OM अपॉन ON, तो ये भी क्या आ रहा है OM अपॉन ON। देखिए जो वैल्यू इसकी आ रही है साइन 90 माइनस थीटा की OM अपॉन ON, वही वैल्यू इसकी आ रही है cos 90 cos थीटा की OM अपॉन ON। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, cos थीटा के इक्वल है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं लेता हूं cos 90 माइनस थीटा, मान लीजिए क्या लेता हूं cos 90 माइनस थीटा। अब देखिए यहां पर देखो ध्यान से, पहले कंडीशन समझ में आ गई हो, क्लियर, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं इस पे और वीडियोस बना के आपके जो है डाउट क्लियर कर सकता हूं, ठीक है ना। तो दूसरा है cos 90 माइनस थीटा। अब cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर एंगल थीटा है, इसके लिए देखो ये तो हुआ परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब एम एन अपॉन ओ एन। तो cos 90 माइनस थीटा बच्चों क्या आ गया, एम एन अपॉन ओ एन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और साइन थीटा क्या आ गया, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो थीटा यहां से देखने पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये भी क्या आ रहा है एम एन अपॉन ओ एन, ये भी क्या आ गया एम एन अपॉन ओ एन, दोनों बिल्कुल बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कॉस 90 माइनस थीटा भी किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो ये देखिए आपको ये होता है फॉर्मूला प्रूफ। इसी तरह से हम टेन में भी कर सकते हैं, इसी तरह से हम जो सेक में भी कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखिए ये है फॉर्मूला और फॉर्मूला का प्रूफ। अब हम आगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें करने वाले हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है cos 37 अपॉन sin 53, ठीक है। हम क्या करते हैं पहले इन दोनों का सम निकाल लेते हैं, 37 और 53 का, चेक करते हैं इन दोनों का सम क्या आ रहा है। तो इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल जो है मिलके क्या बना रहे हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना। तो इसे करने का तरीका क्या है, देखिए इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं कैसे। देखिए cos 37, cos 37 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 90 माइनस 53 लिख सकता हूं ना, क्योंकि 90 में से 53 जब घटाएंगे तो 37 आता है। तो 37 की जगह पर ऑनली मैंने क्या प्लेस कर दिया, 90 माइनस 53, और बाकी कुछ चेंज नहीं किया, नीचे तो ऐसे लिख दिया साइन 53, समझ रहे। ऑनली क्या किया, कॉस तो अपनी जगह पर है, 37 की जगह पर ऑनली क्या लिख दिया 90 माइनस 53, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब इसको मैंने क्या कर दिया 90 से घटा दिया, तो 90 से 53 घटाने में मुझे क्या मिल रहा है 37 मिल रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर फॉर्मूला देखिए, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है, क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, यहां पर ये थीटा है, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन
थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है 53, और नीचे ऑलरेडी क्या था साइन 53। तो इससे क्वेश्चन जो है न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया क्योंकि सेम है, तो वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो जैसे ये एक है यहाँ पे, ऐसे दो टर्म है उनको ऐड करना है, उसका आंसर निकालना है। सेम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्या कॉट 54 अपॉन 1036। अब इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर लीजिए। क्या मान लीजिए ऊपर में कॉट 54 को ऐसे रहने देता हूँ, नीचे 1036 है, तो मैं इसको 10, इन दोनों का सम में 90 आ रहा है, इसलिए मैं इसमें जो है फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो 10 में 90 माइनस अगर 54 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ 10 90 माइनस 54, बाकी सब ऐसी उतरा है एज इट इज। कॉट 54 की जगह पे कॉट 54, 1036 की जगह पे लिख दिया 10, खाली 36 की जगह पे लिख दिया मैंने ओनली यहाँ पे 90 माइनस 54, क्योंकि इसको सबट्रैक्ट करके 36 आता है मेरा, ठीक है। और प्लस इसमें भी ऐसे ही कर देते, किसी एक को चेंज कर लीजिए, 10 20 लिखा है, नीचे कॉट 70 का आता है जब मैं 90 में से 20 घटाता हूँ, क्योंकि किसी एक की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी तभी हम इसको क्या बनाएंगे डिवाइड कर पाएंगे। अब देखिए कॉट 54 को अपनी जगह पर रख दीजिए अपॉन 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो नीचे आप लिख देंगे कॉट थीटा की जगह पर आपको पता है कितना है 54, प्लस 10 20 को अपनी जगह पर रहन दें, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों 10 थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या है यहाँ पे 20 है इस बार, तो ये हो जाएगा 10 20, ये इससे कैंसिल हो गया कॉट से कॉट, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1 आपका आंसर आ गया 2। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान से इन फॉर्मूलों को समझना है हमने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें भी क्या करना है देखिए, अब बीच में यहाँ पे जो साइन है वो क्या है निगेटिव का है, किसका है बच्चों निगेटिव का। अब इसमें भी हमें किसी एक की वैल्यू चेंज करनी है, देखिए दोनों को पहले चेक करते हैं, दोनों का जो सम है जो है 90 आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल हाँ इन दोनों का सम क्या है 90 है, मतलब दोनों एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो इनमें से किसी एक की वैल्यू चेंज करते हैं, कॉट 34 को ऐसे रहने दिया माइनस 10, 1056 कब आएगा जब मैं 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूंगा 34, तो देखिए कॉट 34 माइनस 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह पर क्या है 34, कॉट 34 से कॉट 34 कैंसिल, ये आ गया आपका आंसर 0, ठीक है ना। अब उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर इसका एक और पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट करना है इसका, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, कॉस स्क्वायर 13 माइनस साइन स्क्वायर 77। अब देखिए ध्यान से देखिए, पहले ये दोनों एंगल को, खाली एंगल को चेक करना है भाई कुछ नहीं, इन दोनों का सम 90 आ रहा है, यस इन दोनों का सम 90 आ रहा है, तो अगर इन दोनों का सम 90 आ रहा है तो हम बोलेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और इनमें से किसी एक की वैल्यू चेंज कर देते हैं, क्या कॉस स्क्वायर 13 की जगह मैं ओनली 13 की जगह क्या प्लेस करता हूँ 90 माइनस, जब 90 में से 77 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे को क्या मिलेगा 13, और इधर क्या है साइन स्क्वायर 77, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर है, इस स्क्वायर को आप बाहर मान लीजिए, ये कोई इसको दिक्कत नहीं करेगा, कॉस ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 77 का होल स्क्वायर, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 77। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या है साइन थीटा है, तो मैं इसे लिख दूंगा साइन 77, और ये स्क्वायर अंदर आ सकता है आराम से, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर 77, दोनों सेम और क्या हो जाएंगे कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये बात क्लियर हो गई बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने इस तरह से करना है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, ठीक है ना। तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, ठीक है ना। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने लिख दिया है, उसका फर्स्ट पार्ट ये है और ये इसका सेकंड पार्ट है, दोनों क्वेश्चन हम अभी करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 10 डिग्री यहाँ पर इंटू 1015 इंटू 1075 इंटू 1080 इक्वल्स टू 1, मतलब इन सब का प्रोडक्ट हमको क्या निकालना है 1 प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट। अब आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन बन रहा है, देखो 10 और 15 तो जो है वो होता 25, तो 90 तो आ ही नहीं रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, और 10 को मैं 75 से ऐड करूंगा तो आएगा 85, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 10 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा 80 के साथ, 10 किसके साथ होगा 10 80 के साथ, क्योंकि 10 और 80 मिला के 90 कंप्लीट हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, पहली बात क्लियर। दूसरा देखो ये हो जाएगा अपने आप ही जो बचे, तो
तो देखिए इनमें से किसी को चेंज करते हैं क्या होगा, देखो 10, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 80 लिख सकता हूँ, जब 90 में से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी क्या बचता है, 10 बचता है, और पीछे देखिए इंटू 10, 15, 15 को मैं क्या लिखता हूँ, 90 माइनस 75, बस इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दिया, ऐसे इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दिया, बाकी वैसे ही नोट कर लिया, ठीक है ना। 10 75 into 10 80, ठीक है ना, इक्वल टू 1 प्रूफ करना, तो अभी आंसर 1 आएगा। देखिए 10 90 माइनस थीटा, वहां फॉर्मूले में जाके देखिए, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, और इंटू यहां पर भी 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, 10 90 माइनस थीटा ये है थीटा, इक्वल टू कॉट थीटा, इंटू जो पीछे बचा उसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे हम जानते हैं अच्छे से, आपने यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब पढ़े थे तो आपने क्या पढ़ा था, आपने यहां पर पढ़ा होगा पी बी पी एच एच बी, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन के लिए, उसका अपोजिट एच अपॉन पी कॉसेक के लिए, ठीक है, बी अपॉन एच कॉस के लिए तो एच अपॉन बी सेक के लिए, पी अपॉन बी टेन के लिए तो बी अपॉन पी कॉट के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए कॉट मतलब क्या कि जो टेन है और कॉट एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो कॉट को मैं क्या लिखता हूं, टेन भी लिख सकता हूं, कैसे, कॉट थीटा जो होता है वो 1/10 थीटा, टेन थीटा का अपोजिट होता है, या टेन थीटा इक्व टू 1/cot थीटा, एक दूसरे के क्या होते हैं ये अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो कॉट थीटा है, मैं इसको क्या लिखता हूं, 1/10 थीटा लिखा ना यहां पर, कॉट थीटा इक्व टू 1/10 थीटा, और ऐसे यहां पर भी 1/10 थीटा, ठीक है, इंटू बाकी जो बचा उसको सीधे नोट कर लेना यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों, इंटू ये। अब ध्यान से देखिए 1080 और 1080 ऊपर नीचे कैंसिल, 1075 1075 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर हो गया बिल्कुल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हो चुका है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट हम करने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम में भी काफी ये आता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट क्या है, बी पार्ट, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री एंड सो ऑन 10 89, मतलब 10 1 डिग्री से लेकर 10 89 डिग्री तक इन सारी जो वैल्यूज है इनका प्रोडक्ट क्या है, 1 है। देखिए हमको 10 1 डिग्री की वैल्यू पता नहीं है, 10 2 डिग्री पता नहीं, किसी भी वैल्यू यहाँ पे पता नहीं है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या है देखो, मैंने थोड़ा इसको अच्छे से एक्सटेंड कर दिया, क्या 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 44, आगे को 10 4 चलता रहेगा, आगे को बढ़ते बढ़ते 10 44 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 46 डिग्री, फिर आगे को बढ़ते बढ़ते 10 89 डिग्री, 10 88 डिग्री, 10 87 डिग्री, 10 88 डिग्री, 10 89 डिग्री, ऐसे आगे को उसका पूरा मैंने इसको जो ये सीरीज इसको थोड़ा आगे को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है, आप चेक कीजिए इसमें कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, तो देखो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट इसका सीधा कंसेप्ट क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है वो आपस में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। देखो 1 + 89 90 हो रहा है, ऐसे ही 2 + 88 हो रहा है ना 90, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री जो है एंगल्स है। अब इनमें से किसी एक को चेंज करना है, तो 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री को ऐसे ही रहने दिया, 10 44, 10 45, अब चेंज करना है कितनी, क्योंकि 45 बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ से, 45 से पहले 1 तक जो है इक्वल है किसके, 45 के बाद 89 तक की वैल्यू, तो 10 45 बीचों बीच की वैल्यू, ठीक है, इससे पीछे और इससे आगे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो 10 1 से लेकर 10 44 तक कोई चेंज नहीं करना, और 10 45 के बाद चेंज करना शुरू कर देंगे, क्या 10 46 को लिख सकता हूँ, खाली 46 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 माइनस 44, ऐसे ही 47 होता तो 90 माइनस 43, इसको आगे बढ़ते बढ़ते 1087 को क्या लिखता हूँ, 10 90 माइनस 3, 1088 को क्या लिखता हूँ, 10 90 माइनस 2, 1089 को क्या लिखता हूँ, 10 90 माइनस 1। अब 10 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला देखिए क्या है, 10 90 माइनस थीटा, बाकी सब ऐसी नोट हो गया पूरा ही 44 तक, 10 45 वैसे ही नोट हो गया, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा कॉट थीटा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो देखिए इसके बाद हम एक बात और जानते हैं कि टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कॉट को मैं 1/10 थीटा भी लिख सकता हूं, तो ये वैल्यूज मैंने पूरी ऐसी नोट करी,
और यहाँ 45 तक, उसके बाद मैंने एक पॉट को लिखा 1 अपॉन 1044, 1 अपॉन 1045, 1 अपॉन 10 जो है 3, 1 अपॉन 102, 1 अपॉन 10 जो है 1। अब देखिए 10 1 से 10 1 जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर में था ये कट गया, 10 2 से ये वैल्यू कट गई और 10 3 से ये वैल्यू कैंसिल हो गई 10 3 डिग्री वाली। तो बचा क्या ओनली बीच में, बीच में बचा क्या ओनली 1045 बचा, और 1045 की वैल्यू हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल के थ्रू, इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है इसकी वैल्यू? 1 होती है। बात क्लियर हो गई? तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? एक्सप्रेस कॉस 75 प्लस कॉट 75 इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब कॉस 75 और कॉट 75 इन दोनों का जो सम है इनकी वैल्यूज को 0 और 30 डिग्री के बीच में लाना है। इसको 0 और 30 डिग्री के बीच में लाने का एक सिंपल सा मेथड है कि हम इन दोनों एंगलों के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं? देखिए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि जिनका सम 90 होता है। तो कॉस 75 को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 15, क्योंकि 90 में से 15 सेपरेट करते हैं तो 75 आता है, ठीक है। और ऐसे ही कॉट में भी लिख सकते हैं हम क्या, 90 माइनस 15, ठीक है ना। तो कॉट ऐसे ही नोट हुआ और 75 की जगह पर 90 माइनस 15 लिख दिया। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूले में जाके देखिए ऊपर साइन थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है 15, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 10 15। अब देखिए दोनों जो वैल्यूज हैं वो आगे 0 और 30 डिग्री के बीच में, दोनों जो है 0 से कम भी नहीं है और 30 से ज्यादा भी नहीं, क्योंकि दोनों 15 है। तो ये होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ tan 2 थीटा इक्वल्स टू cot थीटा प्लस 60 डिग्री, मतलब tan 2 थीटा किसके इक्वल है, cot थीटा प्लस 60 डिग्री के इक्वल है, वेयर 2 थीटा एंड थीटा प्लस 60 डिग्री आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स का मतलब कि जो एंगल लेस देन 90, मतलब द एंगल्स व्हिच आर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। तो दोनों जो एंगल है 2 थीटा और थीटा प्लस 60 क्या 90 से कम है। तो क्या है, अगर ये एक्यूट एंगल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्या फाइंड करना है? थीटा फाइंड करना है। तो पहले देखते हैं कि इक्वल दिया क्या है। इक्वल है आपका tan 2 थीटा इक्वल्स टू cot थीटा प्लस 60 डिग्री, ये है, ठीक है। और जहां पे 2 थीटा और थीटा प्लस 60 दोनों 90 से कम है, इसका मतलब क्या कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। देखो tan 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 थीटा कब आता है, cot 90 माइनस थीटा पे, मतलब हम cot 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो मैं इस tan थीटा को चेंज कर लेता हूं, मैं क्या लिखता हूं यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे लिखता हूं cot 90 माइनस 2 थीटा, और उसको ऐसे उधर को ऐसे नोट कर लेते हैं, उसको cot थीटा प्लस 6 को उसको ऐसे रहने दीजिए, खाली इस tan 2 थीटा को चेंज किया और क्या लिखता है cot 90 माइनस 2 थीटा। क्यों? क्योंकि cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 2 थीटा है, तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा होता है। तो मैंने इसको इस तरह से अपोजिट में लिख दिया, ठीक है ना। तो देखो tan से tan कैंसिल, काटना नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट में नहीं होते कभी भी, ये जो एंगल है, एंगल जो रेशियो है वो कभी भी एंगल के साथ प्रोडक्ट में नहीं होते हैं, तो इसे कैंसिल नहीं करते, इसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। और बचा क्या, tan 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 6 डिग्री, और 90 ये प्लस 6 वहां से इधर किस में आएगा माइनस में, और थीटा ये माइनस 2 थीटा यहाँ आ जाएगा प्लस 2 थीटा में 3 थीटा, और ये आ जाएगा इधर आपका 84, थीटा से डिवाइड कर लेते हैं 84 अपॉन 3, 3 का 3 टू 6 3 8 28 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, कहा तो हमने देखो हमें थीटा की वैल्यू निकाल दिया। बात क्लियर हो गई? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब किसी ट्राइंगल ए बी सी के जो है कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी क्या है, इंटीरियर एंगल है बच्चों। क्या है इंटीरियर एंगल, देखिए कैसे ट्राइंगल है ए बी और सी, जिसके इंटीरियर एंगल क्या है ए बी और सी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो इनका सम क्या है, इनका सम है 180, क्लियर है।
अब कहने का मतलब क्या है, ट्राइंगल एबीसी है, इंटीरियर एंगल और ट्राइंगल किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है। तो कैसे करना है हमको, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट टेन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉट ए अपॉन टू। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, हमको पहले करना क्या है, पहले ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में देखिए क्या होगा, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, हमको पता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 180। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये तो कॉन्सेप्ट हमको पता है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू। अब हमको जो प्रूफ करना है उस पर काम करते हैं, क्या ऊपर बच रहा है बी प्लस सी और उधर जा रखा है ए, तो क्या करेंगे देखो, इधर रखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी को इधर रहने दिया, जो एंगल ए है उसको उधर शिफ्ट कर दिया 180 माइनस ए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टू, बोथ साइड किससे डिवाइड कर दिया, टू से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद टेकिंग टेन ऑन बोथ साइड कर दिए, क्यों, देखो इस साइड टेन है, उधर भी टेन ही होगा, अपने आप बाद में शिफ्ट हो जाएगा देखो। तो हमने क्या करा उसके बाद, टेकिंग टेन ऑन बोथ साइड, तो यहां पर देखो बोथ साइड क्या ले लिया, टेन ले लिया, ठीक है। तो इधर तो ये ऐसी रहेगा, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा देखो बच्चों, टेन 180 माइनस ए अपॉइंट टू है, तो 180 अपॉइंट टू माइनस ए अपॉइंट टू, तो 180 अपॉइंट टू तो हो जाएगा 90 माइनस ए अपॉइंट टू, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो क्या बचा देखो, 10 बी प्लस सी अपॉइंट टू इक्वल्स टू 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो जाएगा कॉट ए बाय टू। देखिए यही हमको प्रूफ करना था, बात क्लियर है, इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 4 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। और ये जो सेगमेंट है ट्रिग्नोमेट्री का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी सेगमेंट से काफी जो कॉम्प्लेक्स और काफी टफ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे वो कंपटीशन में हो चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हो, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम जानते हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो मोस्टली तीन फॉर्मूलाज है। एक तो पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और तीसरा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये जो तीन फॉर्मूले हैं, यही तीन फॉर्मूले क्या है, इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब क्या किया है आगे, मैंने इन्हीं फॉर्मूलों को आपस में क्या किया, सॉल्व किया है। कैसे, अगर मान लीजिए मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए ओनली, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर माइनस में ले जाऊंगा, तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस को इधर माइनस में ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से टेन में देखिए, मुझे अगर मान लीजिए मैं टेन स्क्वायर थीटा को माइनस में ले जाता हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, वन हो जाएगा, ठीक है। और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये वन प्लस से इधर माइनस में चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो गया। और उससे आगे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला है इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो वन को यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस से यहाँ किस में चला जाएगा, माइनस में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये प्लस से इधर माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो कहने का मतलब क्या है कि तीन फॉर्मूले से बन गए हमारे नाइन फॉर्मूले, कितने बन गए, नाइन फॉर्मूले बन गए, क्लियर हो गया। अगर आपको ये फॉर्मूले अभी आपको अगर याद है, याद आपने अच्छे से कर लिए, तो अब हम बात करेंगे इन फॉर्मूले के प्रूफ के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, इन फॉर्मूले के प्रूफ, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूले के साथ साथ प्रूफ भी कराता चल रहा हूँ। प्रूफ क्या है, देखिए आपको पता है कार्डिनल प्लेन एक्स एक्सिस है और ये लाइन इससे करी गई है जो ऊपर को गई है, तो ट्राइंगल क्या बन गया, ए एम पी, क्या बन गया, ए एम पी, जिसमें पी एम क्या है, पी एम ए एम के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका साफ साफ मतलब ये निकला कि ट्राइंगल ए एम पी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि राइट एंगल के सामने की साइड जो होती है हमेशा हाइपोटेनियस होती है, गिवन एंगल के सामने की साइड जो है वो हमेशा होती है परपेंडिकुलर और बचा हुआ बेस। ये बात तो बिल्कुल क्लियर होगी, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है ना। तो क्या देखा मैंने, लगाया ट्राइंगल ए एम पी में, क्या लगाया मैंने, पीजीटी लगा दी, क्या लगा दी, पीजीटी। पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि
जो अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड जिसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, लॉन्गेस्ट हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। बात क्लियर है? तो देखिए क्या है, ये गिवन एंगल है परपेंडिकुलर, तो पी हाइपोटेनियस का स्क्वायर ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? हाइपोटेनस का स्क्वायर एपी का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आपका ये पाइथागोरस थ्योरम। मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उसी तरह से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिए, साइड्स लिख दिए, एपी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, पहले फॉर्मूला जो है क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, आपके सामने कंडीशन आ गई पीजीटी के थ्रू। आप क्या करिए, ये दोनों जो जो इक्वल के इधर भी एलएचएस और आरएचएस दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, किससे, एपी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। इधर भी एपी से डिवाइड किया और इसको पूरा एपी से डिवाइड कर दिया, तो एपी एपी इसको भी डिवाइड करेगा और एपी साथ साथ ही इसको भी डिवाइड करेगा, एपी दोनों में डिवाइड हो गया। तो एपी स्क्वायर से एपी स्क्वायर कट गया, क्या बचा यहाँ पे, वन बचा। अब ध्यान से देखिए, ए एम अपॉन एपी, ए एम का स्क्वायर और ए पी का स्क्वायर का रेशियो है। तो देखो ए एम क्या है, बेस, क्या है, बेस। तो आपको यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट फिर से बताने जा रहा हूँ जो हम एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ा था, पी बी पी एच एच बी। तो देखो ए एम अपॉन ए पी है, तो ए एम तो आपको पता है क्या है, बेस है, और ए पी आपको पता है हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए एम अपॉन ए पी नहीं है, ए एम का स्क्वायर अपॉन ए पी का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही पी एम अपॉन ए पी का स्क्वायर, देखिए पी एम अपॉन ए पी का स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसके एंगल के थ्रू ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो पी अपॉन एच होता है साइन के लिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो पहला फॉर्मूला तो ऐसे प्रूफ होता है, ठीक है। दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं, अब वही जो पीजीटी लगाई थी और जो कंडीशन बनती है हमारी, अब इसमें हमने डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशन को दोनों साइड किससे, ए एम स्क्वायर से, एल एच को भी ए एम स्क्वायर से और आर एच को भी ए एम स्क्वायर से, तो इसको ए एम स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ए पी अपॉन ए एम हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है sec थीटा, क्या होता है sec थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए एम से ए एम कट गया ए एम स्क्वायर से, तो यहाँ पर रहा वन प्लस पी एम स्क्वायर अपॉन ए एम स्क्वायर, इस एंगल के थ्रू पी एम हो गया परपेंडिकुलर और ए एम हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दूसरे फॉर्मूले का प्रूफ होगा। तीसरा जो है फॉर्मूला क्या है, अब आप डिवाइड कर दीजिए, तीसरी साइड क्या थी यहाँ पे, पी एम स्क्वायर, पी एम स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, एल एच एस में भी और आर एच एस में भी, तो पी एम स्क्वायर से डिवाइड किया, क्या हुआ ए पी अपॉन पी एम स्क्वायर, ए पी हाइपोटेनियस अपॉन पी एम स्क्वायर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉस सेक, क्या होता है कॉस सेक होता है यहाँ पे, तो कॉस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन पी एम का होल स्क्वायर है, ए एम स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है आपका कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों, कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस पी एम स्क्वायर से पी एम स्क्वायर कैंसिल, यहां पर आ जाएगा वन, तो ये हो गया तीसरा फॉर्मूला भी प्रूफ। बात क्लियर हो गई? तो हमने क्या किया, हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उससे रिलेटेड फॉर्मूले किए और हमने उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले के प्रूफ होते हैं वो भी अब कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। फर्स्ट क्या है देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है वन, इक्वल की इधर की साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल की उधर होती है राइट हैंड साइड, तो एल एच एस को आर एच एस के इक्वल प्रूफ करना है, मैंने एल एच एस ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने इस्तेमाल कर दिया, पहला फॉर्मूला यहाँ पे लग चुका है। अब देखिए जब यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया, हम जानते हैं कि कॉसेक किसका अपोजिट होता है साइन का अपोजिट, तो वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर एक और फॉर्मूला, एक फॉर्मूला यहाँ लगा, एक कंसेप्ट यहाँ लगा और तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे लगने जा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, तो यहाँ पे आपका आ गया आंसर वन, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, ठीक है ना, उसे करते हैं अच्छे से। क्या लिखा है देखिए, रूट में वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब एलएचएस से क्या निकालना है आरएचएस हमने निकालना है, मैंने एलएचएस ले लिया,
आप सॉल्व करने के लिए एलएचएस से आरएचएस भी निकाल सकते हैं, आरएचएस से एलएचएस भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलएचएस लिया क्या हुआ, रूट में मैंने क्या किया, अगर आपको पता है कि रूट ऊपर भी है नीचे भी है तो डिनोमिनेटर में तो रूट है ही, तो डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। तो क्या करते हैं रैशनलाइजेशन में, देखो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इससे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लेकिन साइन को चेंज करके, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन सेम वैल्यू रखते हैं ताकि आपस में कैंसिल हो और वैल्यू कंडीशन में कोई अंतर ना करे। तो देखो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा में क्या किया, इनटू रैशनलाइजेशन करने पर 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी किया और उसी से डिवाइड भी कर दिया। 1 माइनस साइन थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंटी लगा दी, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दी। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा ऊपर वाला, और नीचे तो रूट अभी लगा ही रहेगा, तो नीचे रूट में क्या बचा, देखो रूट में बचा 1 माइनस साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या बचा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो रूट में क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर स्क्वायर से रूट हटेगा तो कॉस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे ओनली क्या बचा, कॉस थीटा बचा, ठीक है ना। तो 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो कॉस थीटा 1 के साथ भी चला जाएगा और साइन के साथ भी चला जाएगा। 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा और माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है क्या, कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे, देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट गया, क्या बचा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो होता क्या है टेन थीटा। ये भी आपको यहाँ पर प्रूफ करा के दिखा दिया। तो देखिए आपका इससे क्या आएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने LHS से RHS निकाल दिया। अब क्या है, इस क्वेश्चन को करने का एक, ये क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जाता है, कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ से रूट हटाकर, ये क्वेश्चन यहाँ से रूट हटा के यहाँ पे स्क्वायर आ सकता है, क्या आ सकता है, स्क्वायर, इस फॉर्मेट में पूछा सकता है। बिल्कुल ये ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस इसके ऊपर से रूट हट जाएगा और लास्ट में आपको यहाँ क्या मिलेगा आंसर में, sec स्क्वायर sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है थर्ड, ठीक है, थर्ड पाइए बच्चों, हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या, ध्यान से देखिए, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा ब्रैकेट में पूरा इनटू, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा फिर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 2, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या प्रूफ करना है, 2 के इक्वल प्रूफ करना है। ऐसी वैल्यूज जब भी हमारे सामने आती है हम उसको पहले तोड़ेंगे साइन और कॉस में तोड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखिए 1 प्लस cot थीटा हम जानते हैं tan का अपोजिट होता है, तो tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो cot क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो लिख दिया यहाँ पर क्या, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस cosec होता है क्या, साइन का अपोजिट, तो 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ पर इसको इस तरह से एक्सपेंड कर दिया। और इधर देखिए 1 अपॉन 1 कर दिया, प्लस tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा, sec थीटा cos थीटा का अपोजिट होता है, और tan थीटा जो है ऐसे खोल सकता है। अब नीचे लिया LCM, तो नीचे LCM आएगा साइन थीटा, और साइन थीटा LCM लेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे, साइन थीटा आएगा साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा आ जाएगा, फिर प्लस साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया 1 आया, 1 इंटू cos थीटा, माइनस जो है साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 यहाँ पे नोट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एलसीएम लिया cos थीटा, अब 1 को cos थीटा से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 इंटू cos थीटा, प्लस cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया 1 आया, 1 इंटू sin थीटा, फिर cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया 1 आया, 1 इंटू 1 1 हो गया। देखो ये पूरा टर्म बन रहा है a और ये पूरा टर्म बन रहा है b, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, ए माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो देखो ये भी अपने आप में क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और पीछे से 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अपॉन के नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मैंने ऐसे ही लिख दिया है। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1, तो यहाँ पर 1 रख दिया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही रख दिया, माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 2। तो हमारा RHS क्या हो गया, 2, आंसर क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों अब बात करते हैं, तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए
sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो करते क्या है, आप LHS ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप, sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, दोनों में देखो sec स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है क्योंकि यहां पावर 4 है, यहां पावर 2 है, तो sec स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, तो बचा क्या यहां पे 4 में से 2 बचे, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस ये पूरा बाहर आ गया 1। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टेन स्क्वायर थीटा इंटू वन टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा टेन की पावर 4 थीटा, यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। हमारा आरएचएस देखिए आ गया, बात समझ में आ गई, क्वेश्चन काफी इजी है। ठीक है ना, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा दिया है, इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा दिया है, तो प्रूफ करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब हमको ये दिया है इसके इक्वल, तो ये हमको इसके इक्वल प्रूफ करना है। क्या करेंगे, पहले आप इसको ले लीजिए, इसको प्रूफ करना है cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू क्या है रूट टू cos थीटा, है ना, तो फिर आएंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करने पे स्क्वायर करने पे, स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, ये खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर से, और ये खुल जाएगा इसी तरह से, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू रूट टू का स्क्वायर टू और cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो क्या है, अब cos स्क्वायर थीटा को प्लस से ले जाएंगे इधर माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यहां बचा sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, और अगले स्टेप में मैं इसको भी पूरा इधर ही ले गया माइनस में, तो इसको जब इससे माइनस किया तो आया cos स्क्वायर थीटा, और ये प्लस इधर माइनस में आ गया तो माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, ये टर्म इधर को आ गया और यहां पे ओनली क्या बच गया sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब क्या करा, एडिंग बोथ साइड sin स्क्वायर थीटा, दोनों साइड sin स्क्वायर थीटा से ऐड करने पर, तो यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी, क्या ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से यहाँ चढ़ा रूट पूरे के ऊपर, तो 2 के ऊपर रूट आएगा तो रूट टू हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट आएगा तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा, यहाँ बचेगा रूट टू साइन थीटा, तो हमने प्रूफ कर दिया क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है ना, अब बात करते हैं एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, कई बार क्या होता है क्वेश्चनों में LHS से RHS प्रूफ करना होता है, RHS से LHS प्रूफ करना होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें LHS RHS के इक्वल नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं LHS से RHS के इक्वल नहीं आता तो हम RHS को भी सॉल्व करके दोनों को इक्वल निकालते हैं। देखो एक क्वेश्चन वही है, 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos a। ठीक है ना, तो हमने पहले LHS लिया, क्या था 1 प्लस sec a अपॉन sec a, तो sec a को दोनों में बांट लिया, 1 अपॉन sec a हो जाएगा प्लस sec a अपॉन sec a हो जाएगा कैंसिल, 1 अपॉन sec a cos का अपोजिट होता है हम जानते हैं cos a, प्लस ये आ गया 1, तो देखो ये RHS के इक्वल तो आया ही नहीं, अब जब RHS के इक्वल नहीं आएगा तो हम RHS को भी सॉल्व करेंगे दोबारा। अब देखो RHS को इधर ले लिया साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस है, RHS ले लिया साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस है, ऐसे ही नोट हो जाएगा, 1 लिखा है 1 का स्क्वायर लिखा कोई अंतर नहीं आना, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब बन गया आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए, तो फिर क्या है 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से कट गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस ना 1 प्लस कॉस ए, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, फाइनली रिजल्ट क्या आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है कंप्लीट हो चुका है। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 4 वीडियोस हम पहले बना चुके हैं, और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझना है तो आप पहले उन वीडियो को जाकर देखिए, तब आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तो आपके ट्रिग्नोमेट्री में कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आप जो है अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम, और लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है,
और इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी है हाईक्यू रोड टू इन्फिनिटी नाम से, तो आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में क्वेश्चन कराना सिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।